हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं हॉर्टिकल्चर के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो मतलब बहुत ही कॉमन कॉमन टाइप के क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई एग्जाम्स में पहले भी आ चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा और उनके उनसे रिलेटेड जो कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ ओल्ड अनरिप्रोडक्टिव प्लांट, जो एक ऑर्चर्ड में जो अनरिप्रोडक्टिव प्लांट्स होते हैं उनको प्रोडक्टिव प्लांट्स में सॉरी अनप्रोडक्टिव प्लांट्स को प्रोडक्टिव प्लांट्स में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, वो मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है टॉप वर्किंग। जो टॉप वर्किंग है इससे जो अनप्रोडक्टिव प्लांट्स हैं उनको प्रोडक्टिव प्लांट्स में कन्वर्जन किया जाता है। अब इनके साथ देखते हैं जो डबल वर्किंग, फ्रेम वर्किंग या ब्रिज ग्राफ्टिंग, ये क्या चीज़ें होती है मैं इनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो डबल वर्किंग होता है, जैसे कुछ जो ग्राफ्टिंग करते समय कुछ सायन रूट स्टॉक से कंपैटिबल नहीं होते हैं, मींस उनको ग्राफ्टिंग करने पे वो प्लांट सक्सेस नहीं हो पाती ग्राफ्टिंग। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट स्टॉक लिया जाता है जो कि मेन रूट स्टॉक और सायन के बीच में उसको ग्राफ्टिंग किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जो इंटरमीडिएट स्टॉक होता है वो दोनों से कंपैटिबल होना चाहिए। ये होता है डबल वर्किंग। फ्रेम वर्किंग क्या होता है कि जब कोई ट्री डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से और उसके जो ऊपर ब्रांचेस या छोटे छोटे ट्विंग्स होते हैं उनमें ग्राफ्टिंग की जाती है, बहुत सारी ग्राफ्टिंग की जाती है कई सारे ब्रांचेस या ट्विंग्स में, उसको बोला जाता है फ्रेम वर्किंग। और ब्रिज ग्राफ्टिंग कुछ जो डैमेज्ड पार्ट होता है किसी प्लांट का उसको रिकवर करने के लिए ब्रिज ग्राफ्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नॉट प्रोड्यूस ट्रू टू टाइप प्लांट्स, ये सभी प्लांट रिप्रोडक्शन के पार्ट है प्लांट मल्टीप्लिकेशन के। इसमें पूछा गया कि कौन सा जो मेथड है वो ट्रू टू टाइप प्लांट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है या जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो ट्रू टू टाइप प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन नहीं है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा जो कि ट्रू टू टाइप प्लांट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका आंसर है सीड्स, क्योंकि सीड्स सेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंतर्गत आते हैं तो ये क्या करते हैं ट्रू टू टाइप प्लांट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और बाकी ये जो तीन हैं ये एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंतर्गत आते हैं जो कि ट्रू टू टाइप प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बोल्टिंग इन ओनियन टेक्स प्लेस ड्यू टू, जो ऑनियन में बोल्टिंग होता है। बोल्टिंग क्या होता है कि इसमें बोल्टिंग एक तरह से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरह हम समझ सकते हैं ऑनियन में, जो कि समय से पहले सीड स्टॉक का निकल जाना ये होता है बोल्टिंग। तो ये होता है ऑनियन में हाई टेम्परेचर के कारण। हम जानते हैं ऑनियन मेनली विंटर सीजन में लगाया जाता है, तो अगर उसमें हाई टेम्परेचर जल्दी आ गया तो उसमें हाई टेम्परेचर का मतलब होता है जैसे कि ऑनियन का पकने का समय आ गया, मतलब लास्ट स्टेज आ गया ओनियन का, तो उसमें सीड स्टॉक का प्रोडक्शन हो जाता है, सीड स्टॉक निकल जाते हैं। तो जब हाई टेम्परेचर हो जाता है ठंडी में ही तो उसमें बोल्टिंग हो जाती है ओनियन में, तो ये उसका कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ ओनियन इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन इन खरीफ सीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओनियन की कौन सी वेरायटी को खरीफ सीजन में लगाया जा सकता है। खरीफ सीजन मीन्स बरसात का सीजन। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं ओनियन मीन्स एक अंडरग्राउंड ओनियन अंडरग्राउंड क्रॉप है जिसमें उसका बल्ब ग्राउंड के अंदर होता है। अगर इस सीजन में हम बरसात के सीजन में कोई भी अंडरग्राउंड क्रॉप उगाएंगे तो बहुत ही नुकसानदायक है, लेकिन एक वैरायटी डेवलप की गई है ओनियन की जो कि खरीफ सीजन में लगाई जा सकती है और ये वैरायटी है एग्री फार्म डार्क रेड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिलेड हार्वेस्टिंग इन रेडिस मे कॉज, मीन्स रेडिस को जो सुटेबल टाइमिंग हार्वेस्टिंग का अगर उससे हम उसको डिले करते हैं तो कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर उसमें क्या हो सकता है। इसका आंसर जो है वो है पिथीनेस, जो डिलेड हार्वेस्टिंग इन रेडिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रूट इनिशिएशन इन कटिंग, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट बता सकता है कि जो रूट इनिशिएशन के लिए हमेशा IBA का यूज किया जाता है, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड रूट
इनिशिएशन या रूट प्रोडक्शन में सहायक है, चाहे वो किसी भी सेक्सुअल प्रोपोगेशन के मेथड में हो, कटिंग, लेयरिंग, बडिंग, किसी भी चीज़ में हो। सॉरी, बडिंग में तो इनिशिएशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जो कटिंग और लेयरिंग में है आईबीए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वीट पोटैटो इज प्रोपगेटेड बाय। ये एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूजिंग है। मोस्टली स्वीट पोटैटो क्या है, ट्यूबर क्रॉप है, और ये मतलब जो भी ट्यूबर क्रॉप्स होते हैं उनका जो प्रोपगेशन का मेथड है वो या तो उनका ट्यूबर होता है या फिर कुछ भी, मोस्टली ट्यूबर या बल्ब्स होते हैं। लेकिन जो स्वीट पोटैटो है उसके जो उसका प्रोपगेशन किया जाता है वाइन कटिंग से किया है। जो लोग नहीं जानते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और सही आंसर नहीं लगा पाते हैं, जो जानते हैं उनका तो क्लियर होता है कि वाइन कटिंग होता है। तो जो स्वीट पोटैटो का प्रोपगेशन होता है वो वाइन कटिंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्पेसीज ऑफ रोज इज ग्रोन फॉर हायर रिकवरी ऑफ एसेंशियल ऑयल। जो रोज प्लांट होता है, फ्लावर प्लांट होता है, वो मेनली तीन पर्पस से उगाया जाता है। एक तो उसका जो मार्केट में फ्रेश बेचने के लिए फ्लावर के रूप में, फ्लावर के रूप में, दूसरा उसका जो ऑयल होता है उसके लिए, और तीसरा जो उसका गुलकंद बनाया जाता है उसके लिए। तो जो ऑयल के लिए जो सबसे कौन सी स्पीसीज है जो कि सबसे ज़्यादा हायर रिकवरी देती है ऑयल की, तो जो इसका स्पीसीज है वो है रोजा डेमासीना। ये जो स्पीसीज है रोज की, ये सबसे ज़्यादा हायर रिकवरी देती है ऑयल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि जो टी का हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो चाइना में होता है, और सेकेंड नंबर पे है इंडिया, इंडिया सेकेंड नंबर पे है, चाइना फर्स्ट। देखते हैं, विच इज़ द क्विकेस्ट मेथड ऑफ लॉन इस्टेब्लिशमेंट। अब ये भी हॉर्टिकल्चर का मतलब फ्लोरिकल्चर का क्वेश्चन है कि जो लॉन इस्टेब्लिशमेंट की कई सारी मेथड, ये सभी लॉन इस्टेब्लिशमेंट की मेथड है, इनमें से क्विकेस्ट कौन सी है जो सबसे जल्दी लॉन लॉन इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो जो सबसे क्विकेस्ट मेथड है वो है टर्फिंग। लॉन इस्टेब्लिशमेंट के लिए टर्फिंग सबसे क्विकेस्ट मेथड है। विच स्टाइल ऑफ गार्डनिंग हैज नेचुरलास्टिक इफेक्ट इन देयर व्यू। नेचुरलास्टिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो वो नेचुरली जैसा एग्जिस्ट करता है वो नेचुरलास्टिक इफेक्ट है। तो हम जैसे जानते हैं कि फॉर्मल गार्डन को हम लोग बनाते हैं, इसमें हर सिमेट्री होना चाहिए और भी जो उसके लैंडस्केपिक प्रॉपर्टीज है वो होने चाहिए उसमें। लेकिन जो इनफॉर्मल गार्डन है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी प्लेस है जिसको इनफॉर्मल गार्डन जहाँ पे बनाना है वो जैसा नेचुरली है उसी को हम लोग ब्यूटीफाई कर देते हैं। तो ये होता है, तो इसका आंसर है इनफॉर्मल गार्डन। जो इनफॉर्मल गार्डन होता है उसमें नेचुरलिस्टिक इफेक्ट होता है, क्योंकि इनफॉर्मल गार्डन में जो भी चीज़ जहाँ पे है उसको उसी उसी प्लेस पे ब्यूटीफाई कर दिया जाता है, ना कि उसको चेंज किया जाता है। उसमें फॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं, हम लोग उसको अलग से कुछ मॉडिफाई नहीं करते हैं, मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, और भी जो प्रॉपर्टीज है गार्डन की उसके वो सब नहीं होते हैं। तो जो नेचुरलिस्टिक इफेक्ट है वो इनफॉर्मल गार्डन में होता है। मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग सिस्टम इज पॉपुलर इन द ऑर्चर्ड ऑफ। अब जो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम है, ये एक हॉर्टिकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम का पार्ट है। हॉर्टिकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम में इसमें क्या होता है कि जो वर्टिकल स्पेस है इसको 100% यूटिलाइजेशन के लिए मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसमें डिफरेंट हाइट के कई सारे पौधों को एक साथ उगाया जाता है, जिसमें मतलब चार या पांच पौधे रहेंगे जो सभी का हाइट डिफरेंट होगा, एक बहुत टॉल होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और एक ग्राउंडेड प्लांट लगाया जाता है। तो इसमें जो होता है कोकोनट, कोकोनट का मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम में यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा। और जो टी, पोमग्रेनेट, मैंगो, इन सब का हम यूज नहीं कर सकते मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम में। तो इसका आंसर है कोकोनट। कई सारे क्रॉपिंग सिस्टम है जैसे कि कोकोनट, ब्लैक पीपर, काकाओ, और टर्मरिक। ये एक तरह से एक क्रॉपिंग सिस्टम है कोकोनट के साथ, और भी दो तीन क्रॉपिंग सिस्टम है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम में कोकोनट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डायोसियस सेक्स फॉर्म इज फाउंड इन, जो ये डायोसियस सेक्स फॉर्म कई ट्रीज में मिलते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस में डायोसियस सेक्स फॉर्म पाया जाता है, तो जो डेट पाम है उसमें डायोसियस सेक्स फॉर्म पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर का। फॉलोइंग ट्री, फ्रूट ट्री रिक्वायर चिलिंग फॉर फ्लावर इनिशिएशन। अब ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो चिलिंग का रिक्वायरमेंट होता है वो मोस्टली टेम्परेट फ्रूट्स क्रॉप में होता है, तो इसमें ऑप्शन भी बहुत इजी दिए हुए हैं क्योंकि एक ही टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है, तो इसका आंसर होगा एप्पल। इसको चिलिंग की आवश्यकता होती है फ्लावर इनिशिएशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुआवा इज रिच इन, गुआवा किस चीज़ में, मतलब गुआवा में कौन सी चीज़ सबसे अधिक पाई जाती है, मतलब किस चीज़ में रिच होता है, तो पैक्टिन, आयरन, फॉस्फोरस। इसका एक और इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम लोग प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं कि विच फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर जेली मेकिंग, तो उसका आंसर होता है गुआवा क्योंकि उसमें पैक्टिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा पैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट प्लांट इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग एज फिलर प्लांट इन ऑर्चर्ड। ये प्लांटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है जो हॉर्टिकल्चर में अपन फंडामेंटल पढ़ते हैं कि कौन सा प्लांट फिलर प्लांट के लिए सुटेबल होता है। सबसे पहले समझते हैं फिलर प्लांट कहाँ पे ज़रूरत होता है। जब हम लोग प्लांटिंग सिस्टम में क्विंकस प्लांटिंग सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें चार मेनली वो स्क्वायर सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें चार पौधों के बीच में जो जगह रहती है उसमें बीच में एक फिलर प्लांट लगाया जाता है, मोस्टली ऑर्चर्ड की इनिशियल स्टेज में किया जाता है ताकि हमको कुछ इनकम मिल सके। तो फिलर प्लांट के लिए मोस्टली छोटे पौधों का यूज किया जाता है जो छोटे हों और जल्दी से जल्दी हमको प्रोडक्शन दे, तो इसके लिए इन चारों ऑप्शन में मोस्ट सुटेबल प्लांट है पपाया। पपाया फिलर प्लांट के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिल इज एडिबल पोर्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। तो एरिल मोस्टली फेमस है कि हम लोग जानते हैं लीची का एडिबल पोर्शन होता है एरिल फ्रूट्स में, लेकिन इस इन चारों ऑप्शन में लीची है नहीं, तो एरिल मैं आपको बताना चाहता हूँ एक तरह से साइंटिफिक वर्ड है जूसी सीड कोट के लिए। हम लोग जानते हैं पोमग्रेनेट में, पोमग्रेनेट का एडिबल पोर्शन हम लोग मोस्टली बुक में पढ़ते हैं जूसी सीड कोट, उसी को एक साइंटिफिक नेम कहना चाहिए कि बुक इस फॉर्म में बोला जाता है एरिल, तो इसका आंसर जो होगा, क्योंकि यहाँ पे लीची नहीं, अगर लीची होता तो हम लोग लीची टिक करते, यहाँ पे ऑप्शन में लीची नहीं है, तो इसका आंसर होगा पोमग्रेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग मीन्स टू, मीन्स जो वेजिटेबल फोर्सिंग है वो क्या होता है, जो वेजिटेबल का एक नर्सरी रेजिंग का एक टाइप है वेजिटेबल फोर्सिंग, तो ये इसका आशय क्या है, इसका क्या मतलब होता है वेजिटेबल फोर्सिंग का। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन वेजिटेबल्स, सॉइल लेस कल्चर ऑफ वेजिटेबल, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स ऑन रूफ, या नन ऑफ दीज। तो जो वेजिटेबल फोर्सिंग का मतलब होता है वो ऑफ सीजन में वेजिटेबल्स को उगाना, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, ये होता है वेजिटेबल फोर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइट ब्रिंजल इज गुड रेमेडी फॉर, जो ब्रिंजल दो प्रकार की होती है आप सभी ने देखा होगा, एक पर्पल ब्रिंजल होती है एक व्हाइट ब्रिंजल होती है, तो जो व्हाइट ब्रिंजल है वो किसके लिए बहुत, मतलब किस चीज़ के रेमेडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या उपयोगी है। तो जो व्हाइट ब्रिंजल है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको व्हाइट ब्रिंजल खाने की सलाह दी जाती है, आंसर है डायबिटीज। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ये वीडियो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, एग्रीकल्चर में हैं, उनको भी अगर आपको अच्छा लगा तो उनसे शेयर कर सकते हैं कि आप भी वीडियोस देखें, और अगर आपकी कुछ हेल्प होती है तो मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारा फेसबुक पेज भी एग्रीकल्चर्स पॉइंट, उसको भी ज़रूर लाइक करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।